सो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म का हमारा थर्ड पार्ट हम लोग करने वाले हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल दे रखा है कुछ इस तरह से, x प्लस फाइव अंडर द रूट प्लस x प्लस 21 इज इक्वल टू 6x प्लस 40 अंडर द रूट। देखो यहां पर आपको सिंपल सा मेथड ही दिख रहा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दोनों साइड को कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। सो x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 इसका क्या होगा स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू 6x प्लस 40 इसका क्या करेंगे स्क्वायर। फाइन, स्क्वायर करेंगे। सो a प्लस बी स्क्वायर के, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो a स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 21 का, x प्लस 21 के अंडर द रूट का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल, ये बन जाएगा x प्लस 21 प्लस 2ab, 2 इंटू में x प्लस 5 इंटू में x प्लस 21 इज इक्वल टू, सिमिलरली स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 6x प्लस 40। क्लियर, ठीक है। सो यहां बच गया हमारा 2x प्लस 25 प्लस 26 प्लस 2x प्लस 5 इंटू में x प्लस 21 6x प्लस 40। देखिए इसको यहीं रख लेते हैं, तो ये बचेगा x प्लस 5 इंटू में x प्लस 21 इज इक्वल टू 6x माइनस 2x प्लस 40 माइनस 26, तो ये बचेगा 2x प्लस 5 इंटू में x प्लस 21 इज इक्वल टू 6x में से 2x गया 4x प्लस 40 में से 26 गया 26 प्लस 10 14 हो गया। ठीक है, तो हमने अभी इतना सॉल्व कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अभी हमारे स्क्वायर भागे नहीं है, हमें स्क्वायर्स को भगाना है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो मल्टीप्लाई स्क्वायर, सो x प्लस 21 और ये पूरे का हमारा क्या होने वाला है स्क्वायर 4x प्लस 14। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये इसका स्क्वायर यही होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा हमारा, देखो वही वाला पहले वाला x प्लस 5 है, इसका स्क्वायर क्या होगा ये से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ x प्लस 5। सिमिलरली इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 21 इक्वल टू करेंगे इधर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सो मल्टीप्लाई कर दो इधर, 4x प्लस 5 4 जा 20, तो 4x प्लस 20 इंटू में x प्लस 21। ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 256 होता है, शायद करके देख लेते हैं 196 होता है, 4 जा 16 14 और एक 5 196, सो 14 का होता है हमारा 196 और 14 इंटू 2 28 इंटू में 4 112, तो ये हमारे पास बचेगा प्लस 112x। ठीक है, तो यहां तक कर लिया, अब पहले इनको इधर सॉल्व करेंगे, सो 4x इंटू में x प्लस 21, ठीक है, प्लस 20 इंटू में x प्लस 21, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 21 इंटू में 4, कितना होगा हमारा 4 1 4 4 2 8 84, सो हो जाएगा 84x प्लस 20x प्लस 21 इंटू में
420, ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास, इधर से ये 16x² प्लस 196 प्लस 112x, ठीक है। सो फिर से अब हम क्या करेंगे, अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैल्यूज को इधर उधर ले जाएंगे, इधर रख लिया 0, इन सबको मैं उधर ले जा रही हूँ, ठीक है। सो 16x², 4x इधर है उधर जाके, माइनस 4x², ठीक है, प्लस 196, ये 420 माइनस 420 प्लस 112x, ये दोनों उधर आके माइनस होंगे, 84 और 20 कितना होता है 102, ठीक है, 84 एंड 20 104, कितना हो जाएगा हमारा 104, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 104x, ठीक है। सॉल्व कर दो, 16 माइनस 4 12x² प्लस 196 माइनस हमारा 112, ठीक है, 196 माइनस 112 सॉरी 1420 है, आई एम सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है। तो 420 में से 196 माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4, ठीक है, 11 माइनस 3 2 और 3 माइनस 1 2 2 4, तो हमारे पास बचेगा माइनस 224 प्लस 1112 माइनस 104, ठीक है, 1112 माइनस 104 हमारे पास बचेगा 8x, ठीक है। सो हमारे पास बचा क्या, 12x² प्लस 8x माइनस 224, ठीक है। सो हमारे पास ये बच गया, अब हम सॉल्व करते हैं, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, एक्चुअली काफी लंबा हो जाएगा, कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी, तो मैं जो लाइक इनके तो सॉल्व करेंगे 12x² प्लस 8x माइनस 224 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस का 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इंटू 12, c इज 224 माइनस का 224 बाय में 2a यानी कि 2 इंटू 12, सो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 का होता है 64 माइनस 12 इंटू 4 48, तो 48 इंटू में 224 करेंगे, सो 224 इंटू में 48 ये थोड़ी सी देख लेना, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 4 4 16 1 9 8 2 9 6 15 9 10 17 8 1 9 और 8 10 10752 ठीक है। तो हमारे का 1072 बाय में 24, सो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 10752 माइनस 64, तो 12 में से 2 माइनस 4 माइनस करेंगे 8, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 या 14 में से 6 माइनस करेंगे फिर से 8 और 6 9, तो ये बचेगा 9688, ठीक है। सो वो भी हमारा किसका होगा, प्लस का, या ये प्लस का सही होगा, सॉरी हम ऐड करेंगे, सो दिस वुड बी 10752 प्लस 64, 4026651718 01, सो 10816, सो माइनस 8 प्लस माइनस 10816 बाय में 24। अब इसको हम निकालेंगे, ये किसका अंडर रूट होगा, ठीक है। सो ये लगभग 10,000 के आसपास है, ठीक है, और 30 का अंडर रूट हमारा कितना होता है 900, नहीं ये तो बहुत काफी पीछे रह गया, ठीक है। 50 का अंडर रूट कितना होता है हमारा, ठीक है, तो 50 इंटू में 50 का स्क्वायर हमारा होता है 2500, तो ये हमारा समथिंग 100 इंटू 100
या 10,000 आ गया। सो 100 और 110 का कितना होता है, और 12,000, तो हमारा क्या है 100 और 110 के बीच में ये कहीं पे आएगा, और पीछे कितना है हमारा 6, तो 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4, तो हम करके देखते हैं 104 का, 4 4s are 16, 1 4 1s are 4 0 0 0 4 0 1 6 1 8 0 1 0 8 1 6 या 1 0 8 1 6, तो ये हमारा किसका है 104 का, तो 104 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, x = -8 ± 104/24, so x आ गया -8 ± 104/24, ठीक है। सो फिर से सॉल्व करेंगे इसको आगे, क्वाइट लेंथी है ये, कैलकुलेटर की नहीं पढ़ सकती है। सो -8 + 104/24, और दूसरा आएगा x = -8 - 104/24, सो x = 104 - 8, तो 104 - 8, 14 - 8 = 6, 96 आएगा, तो 96/24 ये हो जाएगा 3 8s are 24, 3 3s are 9, 3 2s are 6, देन 4 2s are 8, 4 8s are 2 1 2 4, ठीक है। तो x हो गया हमारे पास 4, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। सो x यहाँ पर -104 - 8, तो -112/24 आ जाएगा। सो x = 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 2 5s are 10 एंड 2 5s are 10 या 2 6s are 12, 3 पे 3 4s are 12 और 3 1s are 3, और ये 1 नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, सॉरी। सो 56/12, सो 56/12 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको फिर से करेंगे 2 6s are 12 और 2 2s are 4, 1 2 8s are 16, फिर 2 पे फिर से होगा 2 3s are 6 और 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो x = 14/3 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 1 2 था। सो दो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे, x = 4 और x = -14/3। सो ये सा हमारा थर्ड टाइप, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे हमारा फोर्थ टाइप।